सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 एक देवांगना चंद्रा पृष्ठ संख्या 19 से आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर चंद्रा की माँ जो है वह लेखिका के साथ बातचीत कर रही है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वह बताती है कि चंद्रा जो है केवल सिर अपना हिला करके इधर उधर देख सकती थी, न ही उसके हाथों में कोई गति थी न ही पैरों में। फिर भी जो है मैंने कभी आशा नहीं छोड़ी। मैंने जो है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के बारे में बहुत कुछ सुना था। मैं इसे उन्हीं के पास लेकर के गई। एक साल तक की कष्ट साध्य उपचार कराने के पश्चात एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में जो है हरकत सी आ गई। इसका हाथ हिलने लगा, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे जो है चमत्कृत कर दिया। मानो सरस्वती स्वयं ही जैसे आ करके मेरी पुत्री के जीवा में आकर बैठ गई हो। आगे मैंने बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में इसे दाखिला दिलाया। मुझे कॉन्वेंट कार्मेल स्कूल के द्वार पर मानो जैसे धरना ही देना पड़ गया था। जैसा कि वहाँ की मदर ने मुझसे कहा कि यह संभव नहीं है मिसेस सुब्रमण्यम, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, परंतु जरा आप सोचिए तो, आपकी पुत्री व्हीलचेयर लेकर कौन इसे जो है पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। तब चंद्रा की माँ सुब्रमण्यम ने कहा कि आप चिंता मत करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। और पूरी कक्षा में आगे सुब्रमण्यम अपनी पुत्री को लेकर मानो जैसे परिक्रमा की तरह घूमती रहती। वह पीरियड दर पीरियड जो है उसके पीछे खड़ी रहती। चंद्रा ने भी निराश नहीं किया। मानो उसके अंदर सरस्वती का वास हो। हर एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण होती चली गई और उसने केवल उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक भी जीता। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट भी उसने अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा धैर्य साहस से 5 साल तक प्रोफेसर सेठाना के निर्देशन में शोध कार्य भी इस चंद्रा ने किया। इस बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया में से चंद्रा के लिए व्हीलचेयर भी मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा जो है स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला से इधर से उधर घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जीरा बख्तर में उस हसमुख लड़की को देख मुझे लेखिका कहती है कि उस हसमुख लड़की को वह लेदर का जो जैकेट वह पहन करके जिसमें कसी हुई वह रहती थी, उसे देख करके मुझे लगता था कि युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हो आता था। छत विछत शरीर में असंख्य घाव आभा मंडित, परंतु चेहरे पर हमेशा जो है हंसी रहती थी। लेखिका आगे कहती है कि चंद्रा जो है मुझसे उसने कहा कि मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये जरा आप कविताएं जरा देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। चंद्रा ने कुछ कविताएं लिखी थी और उन्हीं कविताओं को वह लेखिका को दिखाना चाहती थी। लेखिका कहती है कि मैंने जब वे कविताएं देखी तो मेरी आंखें ही भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई थी, न जाने उसकी इन कविताओं में मेरे सामने वे सारी चीजें आ गईं। फिर उसने जो है मुझे अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर जो है नमूने भी दिखाए। लेखिका कहती है कि
दोनों हाथ जैसे मानो दोनों पैरों का काम करते हों। वह निरंतर खटखट करते हुए आगे बढ़ती रहती थी। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता हासिल की थी, और योग्यता ही हासिल नहीं की बल्कि वहाँ परीक्षा में भी वह उत्तीर्ण हुई थी। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। लेखिका कहती है कि यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि भी थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख करके मुझे वह अपने चित्र दिखाने लग गई, और उस एल्बम में पुरस्कार ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा, और व्हीलचेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपना डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा उस एल्बम के चित्र में मैंने देखा। लेखिका कहती है कि मेरी बड़ी इच्छा थी। लेखिका से डॉक्टर चंद्रा जो है वह कहती है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। डॉक्टर चंद्रा यहाँ पर लेखिका से कहती है कि मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में जाऊं, डॉक्टर बनूं, परंतु वहां पास होने के बावजूद भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के पश्चात भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। वहां मुझसे कहा गया कि तुम्हारा निचला धड़ा निर्जीव है, मैं एक शल्य चिकित्सक कभी भी नहीं बन पाऊंगी। शल्य चिकित्सक का अर्थ होता है सर्जन, जिसको हम लोग कहते हैं, जो चीर फाड़ करता है। डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में लेखिका कहती है कि मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में अपना योगदान दिया है, चिकित्सा के क्षेत्र ने जो वह विज्ञान ने पाया। यहाँ पर जो है लेखिका कहना चाहती है कि भले ही चंद्रा को चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उसने डॉक्टरेट हासिल कर वह डॉक्टर बन गई। आगे जैसा कि है, चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर लेखिका कहती है कि उसकी जननी का एक बड़ा सा चित्र था जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, और वह पुरस्कार था वीर जननी का पुरस्कार। और उस चित्र में लेखिका बताती है कि बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्र की पहिया लगी कुर्सी के पीछे मानो चंद्रा की माँ चक्र जैसी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे के दो जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी। लेखिका कहती है कि ये जो है उस चित्र में मैंने देखा कि किस प्रकार से सुब्रमण्यम ने अपनी पुत्री के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, वह सदैव उसकी मदद करती रही, तभी तो उसे वीर जननी का पुरस्कार भी मिला। अंत में लेखिका कहती है कि मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता है, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इन पंक्तियों में लेखिका कहना चाहती है कि शारदा सुब्रमण्यम जी ने कहा कि भले ही मेरी बेटी का निचला धड़ा निर्जीव था, ईश्वर ने उसके साथ मानो कठोरतम उसे दंड दिया हो, परंतु ईश्वर अगर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार उस जीवन में खोल देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डॉक्टर चंद्रा के जीवन के बारे, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को आप लोग कंठस्थ याद करेंगे।
विलग और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। विलक्षण का अर्थ होता है अद्भुत, अकस्मात अचानक, विधाता ईश्वर, नतमस्तक सिर झुकाए। इस तरह से आप लोग सारे शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख करके कंठस्थ याद करिएगा। उसके पश्चात आता है मौखिक लिखित। लिखित में लघु उत्तरी प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोग जो है कॉपी में लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पाठ को ध्यान से सुना होगा और आसानी से आप लोग सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। मौखिक में पहला जो प्रश्न है, लेखिका ने अभिशप्त काया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया और क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि लेखिका ने अभिशप्त काया शब्द का प्रयोग डॉक्टर चंद्रा के लिए किया, क्योंकि उसका पोलियो के कारण उसका निचला धड़ निर्जीव हो गया था। फिर दूसरा प्रश्न है, लेखिका क्यों चाहती है कि उसकी पंक्तियों को लखनऊ का मेधावी युवक अवश्य पढ़े? इसका उत्तर होगा कि लखनऊ के युवक का केवल एक हाथ कटा था। वह तब भी जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से अपंग थी, फिर भी उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। युवक को नियति का आघात सहज स्वीकार कर लेना चाहिए और यहीं से उसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ती गई। उससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए लेखिका चाहती है कि लखनऊ का वह युवक उसकी पंक्तियों को पढ़े। तो इस तरह से आप लोग लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की माँ का क्या नाम था? तो डॉक्टर चंद्रा की माँ का नाम सुब्रमण्यम जी था। आगे भी इसी तरह से आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर लिखते जाइएगा। लिखित में जो है लघु उत्तरी प्रश्न है कि हमें अपने जीवन की रिक्तता कब बहुत छोटी लगने लगती है? जब ईश्वर हमें पहला जो है भाग जो हम लोगों ने पढ़ा वहीं पर इसका उत्तर है कि जब ईश्वर जो है कठोरतम दंड देता है, तब हमें, जब हम दूसरों के दुखों को देखते हैं, तब हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी नजर आती है। या कभी-कभी अचानक जब विधाता हमें विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है, तब हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी मालूम होती है। डॉक्टर चंद्रा किस आयु में तथा किस बीमारी से शिकार हुई? तो डॉक्टर चंद्रा जो है 18वें महीने में पोलियो नामक बीमारी से शिकार हुई थी, जिसके कारण उसका निचला धड़ पूरी तरह से सुन्न हो गया था। स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए डॉक्टर चंद्रा की माँ को क्या करना पड़ा? ये अभी हमने आज पढ़ाया कि उसे धरना ही देना पड़ा माउंट कार्मेल स्कूल के पास। अगला जो है, डॉक्टर चंद्रा को मेडिकल में प्रवेश क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका निचला धड़ा निर्जीव था। इसीलिए डॉक्टर चंद्रा, भले ही उसने मेडिकल की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया, परंतु अपंगता के कारण उसे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। डॉक्टर चंद्रा की माँ को कौन सा पुरस्कार मिला? तो वीर जननी का पुरस्कार मिला। फिर है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, लखनऊ के मेधावी युवक ने अपना मानसिक संतुलन क्यों खो दिया? तो लिखिएगा कि लखनऊ का जो मेधावी लड़का आईएएस की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद गया था, लौटते समय स्टेशन से चाय लेकर चलती गाड़ी पर चढ़ने के क्रम में वह गिर गया, जिसके कारण उसका दायां हाथ पहिए के नीचे आकर अलग हो गया और उसी निराशा के कारण वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। इस तरह से आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। डॉक्टर चंद्रा को माँ को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? यह भी आसान है कि लगातार 25 साल तक जिस सहिष्णुता के साथ वह अपने पुत्री के साथ उसने कठिन साधना की, जिसके कारण डॉक्टर सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार मिला। उसके पास पश्चात है नंबर 2 में, आप लोग देखेंगे आशय स्पष्ट करें।
चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। तो इसको आप लोग लिखिएगा कि उपर्युक्त पंक्ति का आशय यह है कि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा ने BSc, MSc प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई और डॉक्टर सेठाना के निर्देशन में 5 साल कार्य करते हुए PhD की डिग्री प्राप्त की। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो उसने खोया वह उसने विज्ञान के क्षेत्र में पाया। PhD की उपाधि उसने प्राप्त की। विज्ञान के क्षेत्र में उसने अपना अमूल्य योगदान दिया। तो इस तरह से आप लोग आशय स्पष्ट लिख सकते हैं। दूसरा जो है आशय स्पष्ट, जो किताब की अंतिम लाइन थी, जिसको मैंने समझाया भी था कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इसका लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्ति का आशय यह है कि ईश्वर कर्तव्य करने के लिए कोई रास्ता जरूर प्रदान करता है। तो इस तरह से आप लोग आशय स्पष्ट लिख लेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसे आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए मनुष्य में किन मूल्यों का होना आवश्यक है। तो साहस होना है, वीरता होना है, दृढ़ संकल्प होना है और जिजीविषा, जीने की इच्छा होनी चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने डॉक्टर चंद्रा के जीवन में देखा। अगर जीवन में साहस हो, दृढ़ संकल्प हो, जिजीविषा हो और कभी भी जो है कठिन परिस्थितियों को देख करके घबराए नहीं, तो हम अवश्य ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आने वाली कठिन परिस्थितियों से आसानी से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। इसे आप लोग अपने शब्दों में ही लिखेंगे। इस तरह से तीसरा का दूसरा, तीसरा भी आप लोग लिखिएगा। व्याकरण भाग में आप लोग देखेंगे कि दिए गए शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देना है। डॉक्टर, डॉक्टर, ऑफ, आफ, कॉल, काल। ऊपर जो चंद्र है यहां पर दिया है कि आ ध्वनि अंग्रेजी भाषा की है, इस ध्वनि को अर्धचंद्र कहते हैं। यह ध्वनि मुख को गोलाकार करके ओ और ऊ के मिले जुले रूप में बोली जाती है। पहला है, अब अर्धचंद्र का प्रयोग करते हुए कुछ शब्द आप लोग लिखेंगे। तो कॉलेज, बॉल, हॉकी, डॉल, कॉपी, डॉक्टर, इस तरह से आप लोग शब्द लिखेंगे जिसके ऊपर में अर्धचंद्र लगा हो। फिर पाठ में अंग्रेजी कुछ शब्द आए हैं वो छाट कर लिखिएगा। पेंसिल्वेनिया जैसे शब्द आया था, डॉक्टर है, मेडिकल है, वो सारे शब्द आप लोग निकालेंगे। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नंबर 3 में है कि पाठ से चुनकर नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जिसमें जीने की इच्छा हो, जिजीविषा, जो परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहे, निष्पक्ष, जो सहनशील हो, सहिष्णु, जो शाप से ग्रस्त हो, अभिशप्त, जो बहुत ऊंची इच्छाएं रखता हो, महात्वाकांक्षी, जिसमें प्राण ना हो, निष्प्राण। तो इस तरह से आप लोग इसे पूर्ण करेंगे। फिर है सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भाग में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अंग्रेजी में भी उसी तरह से होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण में दिया है विकास और लीना बाजार गए। उसी तरह से संयुक्त वाक्य, जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य जुड़ते हैं, योजक से जोड़े जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूं और तुम खेल रहे हो, यहाँ और जो है वह योजक है। इसलिए ये 2 वाक्य जो जुड़ रहे हैं इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके ऊपर आश्रित हो, अधीन हो। जैसे मैंने देखा कि बाजार में भी भीड़ है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
नंबर चार में आइए, नीचे दिए गए वाक्यों में सही प्रकार जो है उनके आगे टिक लगाना है। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, सरल वाक्य है। दूसरा में है कि इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, मिश्रित वाक्य है। तीसरा, माँ ने पुत्री के साथ कठिन साधना की और साधना का सुखद अंत हुआ, संयुक्त वाक्य है। फिर चौथा है कि मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई, मिश्रित वाक्य है। पांचवा में वह सिर हिलाकर इधर उधर देख भर सकती थी, सरल वाक्य। और फिर है नंबर पांच में, आप लोग देखेंगे, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द चुनकर लिखना है। आगे दो विकल्प दिए गए हैं, उन दोनों विकल्पों में से जो सही है उसको चुन करके खाली स्थान में भरना है। पहला है दंडित, दंडित का होगा पुरस्कृत। दूसरा है अभिशाप, वरदान। तीसरा कठोर का विनम्र। फिर है निर्जीव का सजीव, सरजीव नहीं, पहला सजीव। पांचवा है उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, दूसरा जो है ऑप्शन विकल्प है। फिर अंतिम है सुगम का दुर्गम। तो इस तरह से ये विलोम शब्द हैं। वर्णों की दुनिया में जो है प्रौढ़, सर्वांग और चंद्रा, पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया था, इसे आप लोग आसानी से करेंगे। कॉपी में जो आप लोग लिखिएगा उसमें शब्दार्थ, मौखिक, लिखित का लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, उसके पश्चात दूसरा आशय स्पष्ट करें, मूल परक लिख सकते हैं। और व्याकरण भाग में जो है आप लोग कॉपी में लिखिएगा नंबर पांच और वर्ण विच्छेद, केवल इतना ही, बाकी पुस्तक में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग सभी ये जो कार्य, गृह कार्य दिया जा रहा है, इसे आप लोग लिखेंगे। घर में स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।